अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेशलिटी स्टोर्स स्पेशलिटी स्टोर्स की जब हम बात करते हैं दीज आर द जो कि नॉर्मली फोकस्ड हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से जिस तरीके से यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड ऑफ स्पेशलिटी स्टोर्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स फ्रॉम द लास्ट फाइव ईयर्स आर ग्रोइंग लाइक एनी फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज के हवाले से स्पेशलिटी स्टोर रिलेटेड टू लेट्स से मैन क्लोदिंग लेट्स से वुमेन क्लोदिंग के हवाले से भी स्पेशलिटी स्टोर्स ऑफिस सप्लाइज के हवाले से हमारे पास देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर स्पेशलिटी स्टोर्स इसी तरीके से किट्स के हवाले से देर कैन बी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स मेडिकल सप्लाइज के हवाले से देर कैन बी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स कारपेट इज वन ऑफ द कैटेगरीज टॉयज इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफिस इक्विपमेंट इज वन ऑफ द कैटेगरीज आई टी इज वन ऑफ द कैटेगरीज मोबाइल इज वन ऑफ द कैटेगरीज यानी कि हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स के हवाले से यू कैन हैव लॉट एन ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि आपको नजर आएंगी किसी ना किसी परस्पेक्टिव के अंदर अच्छा एक स्पेशलिटी स्टोर ये बात समझना ज़रूरी है कि नॉर्मली अगर हम उसको अंदाज़ा लगाएं तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमारे पास मिलेगा आपको और नॉर्मली ब्रांडेड प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से ही पाया जाता है मैं अगर आपसे शेयर करूं कि ये बात कैसे आइडिया होगा कि वो स्पेशलिटी स्टोर जो है क्या वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उससे पता लगेगा कि यह स्पेशलिटी स्टोर है या वो उसकी ब्रेथ ऑफ दी सॉटपिट से पता लगेगा तो नॉर्मली हमेशा से कंसिडर किया जाता है कि किसी भी इस तरह के स्टोर के लिए नॉर्मली उसकी प्रोडक्ट क्या सेल कर रहा है दिस डज नॉट मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये मैटर करता है अबाउट द ब्रेथ ऑफ द दसॉटमेंट कि वो स्टोर वो पर्टिकुलर स्टोर कितनी ब्रेथ ऑफ असॉटमेंट लेके चल रहा है दैट विल डिफ़ाइन कि क्या वो एक पर्टिकुलर स्टोर एक स्पेशलिटी स्टोर है या नहीं है सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के हवाले से इसी स्पेशलिटी स्टोर के ऊपर जिस तरह मैंने सबसे पहले जिक्र किया मेन क्लोदिंग के हवाले से तो हमारे पास यूनिबर्थ की एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है स्पेशलिटी स्टोर है मेन के हवाले से हमारे पास चारकोल की एग्जाम्पल आ जाती है स्पेशलिटी स्टोर है मेन क्लोदिंग के हवाले से हमारे पास अगर वुमेन क्लोदिंग के हवाले से बात करें तो हमारे पास जे डॉट की एग्ज़ाम्पल है खाड़ी की एग्ज़ाम्पल हम मल्टीपल टाइम पहले भी कोट कर चुके हैं डिफरेंट जगह के ऊपर इसी तरीके से आप निशात की बात कर लें सफ़ायर की बात कर लें तो वुमेन क्लोदिंग के अंदर हमारे पास ये स्पेशलिटी स्टोर्स हैं जो कि क्लोदिंग को सेल कर रहे हैं इसी तरीके से अगर मैं किड्स की बात करूं तो हमारे पास किड्स क्लोथिंग के अंदर भी देर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिस तरीके से कलर्स इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स जिस तरीके से ब्रेकआउट इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि नॉर्मली बिल्कुल एग्जैक्टली exactly क्वालिफाई करती हैं स्पेशलिटी स्टोर के हवाले से पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में अगर मैं कारपेट की एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आपको अफगान कारपेट भी प्रॉपरली नजर आएंगे देर आर स्पेशल्टी आउटलेट्स वी आर सेलिंग ओनली अफगान कॉर्पेट्स और द ईरानी कॉर्पेट्स दे आर ब्रैंड आउटलेट्स जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को सेल कर रहे होंगे मेडिकल सप्लाइज के हवाले से अगर मैं इस तरह के स्टोर्स की इस तरह के रिटेलर्स की बात करूं तो हमारे पास फजलदीन की एग्ज़ाम्पल हमेशा से हमारे पास है ग्रीन फार्मेसी की हमारे पास एग्ज़ाम्पल है पंजाब फार्मेसी की एग्ज़ाम्पल है और इस तरह की बेानतहा इग्ज़ाम्पल्स जिसमें डी वॉटसन इज़ वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम्पल्स इन दिस कैटेगरी जो कि एक स्पेशलिटी स्टोर को रिफ्लेक्ट करती है वॉचेस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ जस्ट एज एन एग्जांपल तो हमारे पास स्वाच की वॉच की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है शूज़ के केसेस के अंदर बाटा की एग्जांपल होगी शूज़ के केस के अंदर सर्विसेज का एग्जांपल होगी शूज़ के केस के अंदर नेक्स्ट की एग्जांपल हो सकती है हमारे पास नाइकी की एग्जांपल हो सकती है हमारे पास सो देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो के हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स को हमारे पास क्वालिफाई कराती हैं मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स उनमें से शेयर करने लगा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से सबसे पहले हमारे पास हशफाफीज़ की एग्जाम्पल है स्पेशलिटी स्टोर है सेल कर रहा है शूज को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेप्थ के हवाले से और हमारे पास उसकी एग्जाम्पल आपके सामने है सॉच की एग्जाम्पल हमारे पास है वॉचेस के हवाले से इसी तरीके से हमारे पास टॉमियल फिगर की एग्जाम्पल है फैब्रिक क्लोदिंग के हवाले से ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल हमारे पास आ गई हैं देर कैन बी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लोकल परस्पेक्टिव के अंदर भी जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो तानिश की एग्जाम्पल हमारे पास है दमास की एग्जाम्पल हमारे पास है ये ज्वेलरी के अंदर डील करें दोनों और अगेन स्पेशलिटी स्टोर्स हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की ज्वेलरी के अंदर डील करते हैं ट्वाइस के केसेस के अंदर टोइजारस की एग्ज़ाम्पल है इंटरनेशनल एग्जाम्पल है हमारे पास इसी तरीके से बेस्ट बाई की मोबाइल स्टोर्स के हवाले से स्पेशलिटी स्टोर्स हैं जो कि सेल करते हैं मोबाइल्स को जो कि डील करते हैं मोबाइल की कैटेगरी के अंदर तो जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि स्पेशलिटी स्टोर को बहुत अच्छे तरीके से एलैब्रेट करती हैं और नॉर्मली मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना हो एग्ज़ाम्पल्स को एक दफ़ा अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए और उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये एग्ज़ाम्पल्स क्वालिफ़ाई करती हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर आने के लिए या नहीं जिस तरीके से मैंने यहाँ तानिश की एग्जाम्पल की बात की क्या ये स्पेशलिटी स्टोर है क्या ये स्पेशलिटी के तौर पर ज्वेलरी जेम्स सेल कर रहा है टू द फाइनल कंज्यूमर यस इफ़ इट इज़ यस तो ये एक रिटेलर के तौर पर क्वालिफाई कर रहा है और अगर रिटेलर है स्पेशलिटी के अंदर डील कर रहा है तो ये स्पेशलिटी रिटेलर के तौर पर क्वालिफाई करेगा